बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, 9 मैट्रिक, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, फिज़िक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे हम। पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए। चैप्टर नंबर 3 तक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रिड्यूस्ड सिलेबस के देख लिए हैं। पार्ट 2 चैप्टर 4 पर हम आ गए हैं। लिंक नहीं मिल रहा तो कमेंट में बताइए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा कि इसका लिंक देना, मुझे याद रह जाए, मसरूफियत की वजह से जहन से निकल जाता है। पर अब बुक निकाल लीजिए, फ़ौरन बुक निकाल लीजिए, पेंसिल अपने हाथ में लीजिए और मुस्कुराते रहिए। अच्छा, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4। मैंने चैप्टर्स अलग अलग किए हुए हैं, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है इसका? मोशन एंड फोर्स। चैप्टर नंबर 4 मैंने लिख दिया है। बोर्ड ने चैप्टर नंबर 4 से कौन से टॉपिक दिए हैं वो देख लेते हैं पहले। नाइन्थ के और मैट्रिक के, ये दोनों के आ रहे हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है, इन्होंने जो बोर्ड वालों ने दिया बोला फोर्स को देख लीजिए और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को देख लीजिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये बोर्ड ने बताया है, और बोर्ड ने बताया है मास एंड वेट ये, और नंबर 4 पे मोमेंटम। ये चार टॉपिक नाइन्थ वालों को दिए, और एग्जैक्टली यही चार टॉपिक्स जो हैं वो मैट्रिक वालों को भी दिए हैं इसी चैप्टर के। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही चार टॉपिक्स हैं। अब ये चार टॉपिक जो बोर्ड ने दिए हैं ये हम चैप्टर में देख लेते हैं, ये कहाँ पर है। पेज नंबर 46 खोल लें आप। पेज नंबर 46 पे आपको ये फोर्स वाला टॉपिक मिल जाएगा। क्या इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी हैं वो देख लेते हैं। कोई सब टॉपिक्स इसमें नहीं है, तो ये हो गया आपका पेज नंबर 46 पे। पेज नंबर 47 पे आ जाइए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ से शुरू हो जाता है, पेज नंबर 47। इसमें हम देखते हैं कुछ हमारे पास जो है इस दूसरे वाले में कुछ सब टॉपिक्स हैं, बिल्कुल हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, ये एक सब टॉपिक है इसका, ये भी निशान लगा लीजिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसको मेन हेडिंग जो है इसको निशान लगा लें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसको निशान लगा लें। इससे पहले आपने फोर्स पे तो निशान लगा ही लिया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पेज नंबर 48 पे इसको भी निशान लगा लीजिए। ये भी इसका सब टॉपिक है और इसकी डेरिवेशन भी है। आगे चल रही है 49 पेज तक, और 50 पेज पे एग्जांपल्स आ गई हैं। फिर 4.1, 4.2 दो एग्जांपल्स, और उसके बाद पेज नंबर 51 पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी इसी का सब टॉपिक है। ये जाके ख़त्म होता है पेज नंबर 52 पे, यानी कि 46 से लेके 52 पेज तक जितनी सब हेडिंग्स आ रही हैं, तीनों लॉज आ रहे हैं, एग्जांपल्स आ रही हैं, ये सब आपके इंक्लूड हैं। उसके बाद ये वाला हो गया मास एंड वेट, पेज नंबर 52 पे इसी के नीचे आप देख लें, मास एंड वेट आपको मिल जाएगा। इसका देखते हैं कोई सब टॉपिक है, बिल्कुल इसका सब टॉपिक है। ये पेज नंबर 52 से शुरू है, पेज नंबर 52 से ये शुरू है। इसका सब टॉपिक मौजूद है, कंपैरिजन बिटवीन वेट एंड मास, इस पर निशान लगा लीजिए। अब सब लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है यहाँ पर, इसलिए इस पर भी निशान लगा लीजिए। ये भी इसी का मास एंड वेट का सब टॉपिक है, कंपैरिजन बिटवीन वेट एंड मास। पेज नंबर 53 पे टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है यहाँ पर। उसके बाद पेज नंबर 54 पे, पेज नंबर 52 से 53 तक एक सब टॉपिक है इसके अंदर, मास एंड वेट के अंदर। आखिरी टॉपिक मोमेंटम का है, ये कहाँ है ये देखते हैं अभी। पेज नंबर 54 पे टेंशन इन स्ट्रिंग 4.4, आप इसको कट कर दें, ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शन लेस पुली, इसमें दो केसेस आ रहे हैं। केस वन, वैन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली,
ये आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसकी डेरिवेशन रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पेज नंबर 55, 56 पे आ जाइए। 56 पे आपको सेकंड केस मिलेगा, ये भी रिड्यूस सिलेबस का आपका हिस्सा नहीं है, कट कर दीजिए इसको। 57 पे डेरिवेशन चल रही है और 58 पे एग्जांपल आ रही है इसकी 4.3, इसको भी कट कर दीजिए, ये भी आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पेज नंबर 58 पर ही मोमेंटम आ जाता है, 58 पे मोमेंटम आ जाता है। क्या मोमेंटम के सब टॉपिक्स भी हैं? जी बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ आगे। पेज नंबर 59 पे आ जाएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको भी निशान लगा लीजिए, ये इसका सब टॉपिक है। पेज नंबर 59 पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लिया निशान। आगे आ जाइए फिर पेज नंबर 60 के ऊपर, एक और सब टॉपिक है इसका, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको भी निशान लगा लीजिए। इसके नीचे एग्जांपल 4.4 है, इसको भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 61 पे आके ये आपका मोमेंटम का टॉपिक ख़त्म होता है, पेज नंबर 61 पे। उसके बाद आगे फ्रिक्शन आ रहा है, ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पेज नंबर 62 पे कुछ नहीं है, पेज नंबर 63 पे यही फ्रिक्शन चल रहा है, एग्जांपल्स आ रही हैं, ये नहीं है, फिर फ्रिक्शन ही चल रहा है पेज नंबर 64 पे, और फिर ये समरी आपके चैप्टर की आ गई। अब ये तो बोर्ड के टॉपिक और इनके सब टॉपिक्स हमने अपनी बुक में ढूंढ लिए, अब इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस क्या सब के मौजूद हैं या कुछ के मौजूद हैं वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज इसकी निकाल लें आप, पेज नंबर 66 पे, पेज नंबर 66 पे ये देख लें, ये देख लीजिए, नज़र आ गई एक्सरसाइज। पेज नंबर 4.1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 4.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, ये आपके रिड्यूस सिलेबस का है, निशान लगा लीजिए। 1 पॉइंट ये सेकंड जो है ये भी आपके रिड्यूस सिलेबस का है। थर्ड जो है क्वेश्चन ये भी आपके रिड्यूस सिलेबस का है। 4, 5, 6 4, 5 और 6 ये 6 क्वेश्चंस जो हैं आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कट कर दीजिए, आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का नहीं है, ये फ्रिक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी फ्रिक्शन का है, आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का नहीं है, कट कर दीजिए। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो बच्चे अभी तक मेरे साथ हैं उनको मैं पहले भी पिछली वीडियोज़ में ही बता चुका हूँ कि जितने टॉपिक उन्होंने दिए हैं ये ज़रूरी नहीं है कि बुक में उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी दिए हुए हों। तो मेन चीज़ है इन टॉपिक्स को फोकस करना, इनकी सब हेडिंग्स को फोकस करना। कोई चैप्टर में अगर क्वेश्चंस नहीं हैं तो फिर आपके टीचर्स वगैरह उनको बोलें कि ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनके क्वेश्चंस नहीं हैं, आप हमें बताएं। ठीक है, आगे चलें चैप्टर नंबर 5 की तरफ, वेक्टर्स वाला। चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वेक्टर्स वाला। बोर्ड ने कौन से टॉपिक दिए हैं इसके? चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? वेक्टर्स वाला। बोर्ड को देखते हैं, बोर्ड ने कौन से दिए हैं? 9th वालों के और मैट्रिक वालों के भी, 3 टॉपिक इन्होंने बोर्ड वालों ने दिए हैं रिड्यूस्ड सिलेबस के। इंट्रोडक्शन है स्केलर और वेक्टर का, इंट्रोडक्शन स्केलर एंड वेक्टर्स का ये दिया है एक बोर्ड वालों ने टॉपिक। दूसरा टॉपिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का दिया है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का दिया है। और तीसरा टॉपिक जो है ये 9 मैट्रिक के दोनों के हैं, ये याद रहे। ठीक है, ये बात पार्ट 1 में बता चुका हूँ मैं तफसील से। तो 9 के बच्चे भी और मैट्रिक के बच्चे भी फिजिक्स की बुक खोल के रखें। तीसरा टॉपिक है इसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस चैप्टर से इन्होंने 3 ही टॉपिक दिए हैं, लेकिन मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, अगर आप फिजिक्स की दुनिया में पागल नहीं होना चाहते, मैं सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, 9 मैट्रिक के बच्चों से अगर यकीन नहीं है तो फर्स्ट ईयर वालों से पूछ लीजिए, बहन भाई वगैरह रिश्तेदार होंगे जो फर्स्ट ईयर इंटर में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, उनसे पूछ लीजिए आप। अगर फिजिक्स की दुनिया में पागल नहीं होने चाहते तो आज और अभी
ये वेक्टर्स जो है ना, इनसे जान छुड़ा लें, इनको घोल के पी लें आप। इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैं रिकमेंड करूँगा। हालांकि बोर्ड ने रिड्यूस्ड सिलेबस दिए हैं, रिड्यूस्ड सिलेबस, रिड्यूस्ड टॉपिक जो है वो दिए हैं इस चैप्टर के, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सारे वन टू ऑल, और इन पे सब पे वीडियोस बनी हुई हैं पूरी। मैंने रिड्यूस्ड सिलेबस की जो प्लेलिस्ट बनाई है फिजिक्स की, उसमें भी मैंने सारी वीडियोस दी हैं, सारी एग्जांपल्स मैंने सॉल्व कराई हैं, हर टॉपिक मैंने उन वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, और आखिर में जो प्रॉब्लम्स हैं सारी प्रॉब्लम्स मैंने एक्सप्लेन की हैं, सॉल्व करवाई हैं। ठीक है, ये तो वो बच्चे जो कि वाकई समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते। और अगर आप रटने के मूड में हैं कि नहीं सर इतना कौन करेगा और ये और वो बला बला, ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हैं भाई, आपकी मर्ज़ी है, इन तीन टॉपिक्स को फोकस कीजिए। बुक में देखते हैं ये तीन टॉपिक्स कहाँ हैं। ये रहा आपका वेक्टर वाला चैप्टर, ठीक हो गया, नज़र आ गया। अब चलते हैं आगे। इसका पहला क्या है, इंट्रोडक्शन 5.1, पेज नंबर 70 पे मौजूद है, पेज नंबर 70 पे। अब आगे देखें, इसके कोई सब टॉपिक्स हैं? नहीं, इसका कोई सब टॉपिक नहीं है। पेज नंबर 70 पे इंट्रोडक्शन है इसके लिए, वेक्टर्स का, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये पेज नंबर 71 पे है। ठीक है, ये कहाँ तक चल रहा है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये नेक्स्ट पेज तक आ रहा है और 72 तक आ गया ये। उसके बाद 5.3, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, कट कर दीजिए आप, मजबूरी है, आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ, फंस जाएंगे आगे, कट कर दीजिए, ये रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है। और 5.4, पेज नंबर 73 पे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं दिया गया, कट कर दीजिए, क्या करें। वेक्टर एडिशन इसी के नीचे टॉपिक है, वेक्टर एडिशन, उसके नीचे ग्राफिकल मेथड, ये भी कट कर दीजिए, ये भी रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 74 के ऊपर, एग्जांपल फॉर 5.1, एग्जांपल 5.1, ये भी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, कट कर दीजिए। एग्जांपल 5.2, 75 पेज पे, इसको भी कट कर दीजिए, रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है। बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ कि कट कर दीजिए, वरना तो मैं आपको सारे काम छोड़ के ये बोलूँगा कि आप वेक्टर्स को समझ लें, अभी समझ लें सबको, कोई भी बेकार टॉपिक नहीं है। पेज नंबर 76 पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन अफसोस रिड्यूस्ड सिलेबस बोल रहा है कि ये नहीं है, तो इसको भी कट कर दीजिए, नहीं। उसके नीचे 5.5, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में क्या कर रही है, पागल तो लोग नहीं है जिन्होंने दिया है, इस पर पूरी एक वीडियो बनाई है मैंने, इसको भी कट कर दीजिए, ये भी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और आ जाइए पेज नंबर 77 पे। अब आ गया आपका टॉपिक, पहले तो ये दो बता चुका हूँ मैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, पेज नंबर 77 पे ये आ जाइए। क्या इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, पेज नंबर 77, और ये टॉपिक आपको पागल कर देगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आप नहीं मान रहे हैं ना, रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक चलना चाहते हैं, इन्हीं टॉपिक्स को फॉलो करना चाहते हैं, आप देखें इसमें क्या हो जाएगा आपके साथ, टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 78 पर इसी का सब टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, नीचे देखें आपको नज़र आ रहा होगा, निशान लगा लीजिए, ये शामिल है, रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा है। पेज नंबर 79 पर भी यही है, और पेज नंबर 80 पर इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 5.3, 5.4, ये भी रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा है, इनको भी निशान लगा लीजिए। ये समरी शुरू हो गई आपकी, मतलब चैप्टर ख़त्म, 77 से पेज नंबर 80 तक जितने हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, एग्जांपल्स हैं, सब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हिस्सा है। अब आगे देखें इसके एक्सरसाइज क्या क्वेश्चंस मौजूद हैं, ये रहे पेज नंबर 82 पे, 5.1, राइट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, 5.1। इसमें कौन कौन से रिड्यूस्ड सिलेबस वाले हैं, मैंने बहुत एहतियात से देखा है, ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। टीचर्स, एकेडमीज़ वाले, सेंटर्स वाले, स्कूल वाले करवा रहे हैं, घर में बड़े भाई बहन करवा रहे हैं, सब कर लीजिए, सब इम्पोर्टेंट हैं, सीखें इनको, ये सीखने वाले हैं, रटने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी रिड्यूस्ड सिलेबस कहता है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे निशान लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका,
रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक, टू भी रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक है, थ्री है, फोर को कट कर दें, फोर रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक नहीं है, फाइव भी नहीं है, सिक्स भी नहीं है, सेवन पे निशान लगा लीजिए, पेज नंबर 82 पे हम, और एट पे निशान लगा लीजिए। नाइन को और टेन को कट कर दीजिए, ये रिड्यूस्ड सिलेबस के क्वेश्चन नहीं हैं। लेकिन वही बात मैं कहूँगा कि ये भी कर लीजिए भाई, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। रिड्यूस्ड सिलेबस का ये चैप्टर घोल के पी जाइए, इसको रिड्यूस्ड न लें। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम। बोर्ड ने कौन से टॉपिक दिए हैं? नाइन्थ और मैट्रिक के टैली कर लो एहतियातन। वैसे मुझे पता है कि जो नाइन्थ के टॉपिक हैं वही मैट्रिक के हैं। देख लीजिए भाई, इक्विलिब्रियम चार टॉपिक मैट्रिक वालों के, टॉर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये नाइन्थ का आ गया। इक्विलिब्रियम वही टॉपिक हैं, कोई चेंज नहीं है, नाइन मैट्रिक के सेम टॉपिक हैं। अच्छा, टॉर्क पहला टॉपिक जो बोर्ड ने दिया है, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अच्छा, ये एक और बात बड़ी अहम बताता चलूँ, ये रिड्यूस्ड सिलेबस पूरे सिंध का है। ठीक है, किसी मीरपुर खास बोर्ड है, सिंध कराची बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, सखर बोर्ड है, सारे बोर्ड्स में यही रिड्यूस्ड सिलेबस है, यही बुक्स हैं, यही टॉपिक्स हैं, यही सब कुछ ही। तो परेशान मत होइएगा कि हम तो इस बोर्ड से हैं तो यहाँ पर होगा, नहीं, सबका ही। दूसरा टॉपिक इन्होंने दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तीसरा टॉपिक जो है वो बोर्ड ने दिया है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और चौथा टॉपिक है इसमें स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तो बोर्ड ने टॉपिक दे दिए। अब ज़रा हम देखें कि हमारी बुक में ये टॉपिक कहाँ है। ये रही बुक आपकी, चैप्टर नंबर 6, ठीक हो गया, इक्विलिब्रियम वाला। टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स कहाँ है? पेज नंबर 85 से ये चैप्टर शुरू हो रहा है। इंट्रोडक्शन नहीं है रिड्यूस्ड सिलेबस में, 6.1, 6.2 पैरेलल फोर्सेस रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, दोनों को कट कर दें। पेज नंबर 86 पे आ जाएं, नेक्स्ट पेज पे इनके सब टॉपिक्स हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस कट कर दें, बी को भी कट कर दें, एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी कट कर दें। इसके नीचे है टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स, इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। 6.3 पेज नंबर 86, यहाँ पर पेज नंबर 86। अब देखें इसमें कोई सब टॉपिक्स हैं, पेज नंबर 87 पे भी यही है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स ही चल रहा है। पेज नंबर 88 पर भी यही है, ठीक हो गया। तो ये पेज नंबर 88 तक है। अब चलते हैं इसके ज़रा प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स को डिस्कस कर लें। मैं आपको ये बता दूं, इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें ज़्यादातर फिगर्स बनी हैं। जैसे एग्जांपल नीचे दी हुई है 6.1 पेज नंबर 88 पर फिगर्स बनी हैं। बोर्ड वाले जब पेपर बनाते हैं तो वो फिगर्स बनाने की टेंशन अभी तक मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इक्विलिब्रियम की दो प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जिनमें कोई फिगर वगैरह नहीं है, क्योंकि वो बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फिगर ये जब डेटा बनाते हैं प्रॉब्लम में तो वो फिगर का हवाला ज़रूर देते हैं। बोर्ड वाले जब पेपर बनाएंगे अगर वो ये प्रॉब्लम देंगे तो उस प्रॉब्लम में फिगर का हवाला देंगे तो फिगर भी ड्रॉ करेंगे पेपर पे। तो ये तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने फिगर खास तौर पे दी हो। हाँ, आगे एंट्री टेस्ट वगैरह है, उनका कुछ नहीं कह सकता। तो ये एग्जांपल 6.1 इसको कट कर दीजिए, बाकी पेज नंबर 86 से 88 तक ये आपका टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पेज नंबर 89 से शुरू है, दूसरा टॉपिक आप पेज नंबर 89 से शुरू है।
इसकी कुछ सब हेडिंग्स हैं, बिल्कुल हैं। नीचे एक टेबल मौजूद है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, इसको भी आप निशान लगा लीजिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी 6.1, इसको भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 89, पेज नंबर 90 पे आ जाएं। एक और सब हेडिंग है इसी के अंदर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड बॉडी, इसको भी आप निशान लगा लीजिए। ठीक है भाई, उसके बाद कहाँ तक आ गया ये? पेज नंबर 89 से 90 तक ये टॉपिक्स हैं। फिर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये शुरू हो जाती हैं, लेकिन पेज नंबर 90 पे मैं आपको बता दूं, एक और टॉपिक है जो कि बोर्ड ने नहीं दिया, बोर्ड ने नहीं दिया, ये टॉर्क का ही टॉपिक है, तो वो कर लीजिए आप, ये बड़ा ज़रूरी है। ये कपल वाला 6.5, कपल वाला 6.5, बहरहाल ये कपल जो है वो रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, तो इसको कट कर दें आप 6.5 को, लेकिन इसको समझना चाहिए आपको, ये टॉर्क का ही हिस्सा है। पेज नंबर 90, इसको कट कर दें, ये नहीं है। पेज नंबर 91 पे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लैनर फोर्सेस, इसको भी आप कट कर दीजिए, ये भी रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 92, 93, 94 पे आ जाएं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये रहा, ये 94 से शुरू, कहाँ से? 94 से। अब ये देखें कहाँ तक जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निशान लगा लीजिए, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को निशान लगाएं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको निशान लगाएं। ठीक है, इसके नीचे एग्जांपल 6.2 है, इसमें भी फिगर बनी हुई है, ये देखें, इसमें भी फिगर बनी हुई है, तो ये एग्जांपल भी बोर्ड में नहीं आएगी, इसको कट कर दें आप, लेकिन इस एग्जांपल को सॉल्व करें, इससे आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि सर ये एग्जांपल क्या बोर्ड में आ सकती है, पेपर में आ सकती है, तो मैं नहीं समझता एग्जांपल आपको पेपर में वो देंगे। फिर पेज नंबर 95 पे आ जाएं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ से शुरू है। ठीक है, और ये पेज नंबर 96 पे आ रही है, और पेज नंबर 96 पे फिर दोबारा एक फिगर बना के उन्होंने इस सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये, हाँ, अगर ये प्रॉब्लम की बात की है मैंने, अगर ये क्वेश्चन में आ जाती है फिगर, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड कंडीशन ड्राइव, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये फिगर जो है वो हाँ आपको काम देगी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। मज़ीद अगर आप चाहें तो, ये डिपेंड करता है आपके नोट्स के ऊपर, अगर ये मौजूद है तो आप इसको साथ रखें, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद एग्जांपल 6.3, आप इसको भी कट कर दें, ये भी फिगर्स हैं, तो बोर्ड के पेपर में फिगर वाली प्रॉब्लम तो वो आपको देंगे नहीं। फिर एग्जांपल 6.4, ये भी, इसमें भी फिगर है। इक्विलिब्रियम की तकरीबन सारी प्रॉब्लम्स में फिगर्स बनी हुई हैं, फिगर्स के हवाले हैं, तो बोर्ड के पेपर में वो नहीं देंगे, इनको कट कर दें आप। ठीक है, तो ये कहाँ तक आ गया आपका टॉपिक? ये आपका सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, पेज नंबर 96 तक, पेज नंबर 97 तक इसको लेके जाएं, पेज नंबर 97 तक। ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे मैंने वीडियो अभी नहीं बनाई, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए मैंने दो वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, इस पर काम करूँगा इंशाल्लाह, ज़रा इससे फ्री हो जाऊँ। अच्छा, अब आ जाइए स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम निमट गया, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पेज नंबर 99 पे आ जाएं, इस पे निशान लगा लीजिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इस पे भी निशान लगा लीजिए, ये भी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा है। फिर पेज नंबर 100 जो है, इस पे एग्जांपल है, इसको कट कर दें, इसके नीचे एग्जांपल है, इसको भी कट कर दें, ये सब जो है वो फिगर्स वाली हैं, तो फिगर्स ड्रॉ नहीं करेंगे पेपर बनाने वाले, उनके पास इतना टाइम नहीं है। अब ये टॉपिक्स बोर्ड के हो गए, हमने इनके सब टॉपिक्स भी बुक में निशान लगा लिए। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस पेज नंबर 103 पे 6.1, क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, उसमें लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात की गई, उसको कट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका रिड्यूस्ड सिलेबस का है, 3 भी है, 4 भी है, 5 जो है वो
नहीं है, 6 है और 7 है। अगर 5 को भी आप शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, हालांकि रिड्यूस्ड सिलेबस में वो नहीं है, ये डेफिनेशंस हैं स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो आप इसको भी शामिल कर लें, 5 को भी, ये मैं रिकमेंड करूँगा। डेफिनेशंस जो हैं उनको कर लें, सबको कर लिया करें, क्योंकि डेफिनेशंस जो हैं वो नॉर्मली वो आ जाती हैं कहीं ना कहीं, वो MCQs में बना के दे देंगे, छोटी छोटी सी होती हैं 3-4 लाइन्स की, तो उनको याद कर लें। ये क्वेश्चंस हैं 2, 3, 4, 5, 6, 6.1 के पेज नंबर 103 पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है भाई। बाकी इनकी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो सब तो मैं जब डिस्कस करूँगा, जब मैं इसका स्टडी प्लान बनाऊँगा फिज़िक्स का, तब तफसील से बात होगी इसके ऊपर। चैप्टर नंबर 7 की तरफ आ जाइए, चैप्टर नंबर 7, पार्ट 3 बनाऊं क्या, थक जाता हूँ अभी बोल बोल के। पार्ट 3 मेरे ख्याल में बना ही लेना चाहिए भाई इसका, क्योंकि आप लोग भी थक जाते होंगे निशान लगा लगा के। चैप्टर नंबर 7 तक ख़त्म करते हैं पार्ट 2 को, बाकी के 3 चैप्टर्स जो हैं वो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये रहा पेज नंबर 108, निकाल लीजिए पेज नंबर 108 आपका निकाल लीजिए। बोर्ड ने कौन कौन से टॉपिक दिए हैं सबसे पहले उसको देख लें, और टैली भी कर लें कि 9 मैट्रिक के सेम टॉपिक्स हैं, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन 6 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, 9th वालों के पास और मैट्रिक वालों के पास भी 6 ही टॉपिक्स हैं। क्या सेम है? बिल्कुल सेम है, ये मैं सब पहले चेक कर चुका हूँ, ये तो एहतियातन दोबारा देख रहा हूँ, ठीक है भाई, वही 6 टॉपिक्स हैं बोर्ड ने दिए हैं इस चैप्टर से। कौन कौन से हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहला टॉपिक जो बोर्ड ने दिया, दूसरा टॉपिक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, नंबर 3 जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, नंबर 4 जो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, 5वां टॉपिक इन्होंने दिया है मास ऑफ अर्थ का, मास ऑफ अर्थ, और 6ठा टॉपिक जो इन्होंने दिया है वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ये 6 टॉपिक्स हैं जो कि इन्होंने दिए हैं। अब इन 6 टॉपिक्स को ज़रा चेक करें, ये हमारी बुक में कहाँ है, ये चैप्टर नंबर 7 आ गया। पहला टॉपिक जो बोर्ड ने दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पेज नंबर 108 पे मिल जाएगा, निशान लगा लीजिए इसके ऊपर, पेज नंबर 108 पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निशान लगा लें। क्या इसका कोई सब टॉपिक भी है? सब टॉपिक्स इसमें तो कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पेज नंबर 109 तक जा रहा है, 109 तक जा रहा है। दूसरा टॉपिक हमारे पास कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये इसी के नीचे है 109 पेज पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 109, ठीक है। और आगे जा रहा है ये, इसमें एग्जांपल भी है 7.1, उस पर भी निशान लगा लीजिए। तो ये पेज नंबर 110 तक ये हो गया, ठीक है, दूसरा टॉपिक भी हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसी के नीचे मौजूद है, पेज नंबर 110, सेंट्रिपिटल फोर्स, इसमें कुछ सब हेडिंग्स हैं, इसमें 2-3 एग्जांपल्स हैं, तो उन पे भी निशान लगा लीजिए, ये इसका हिस्सा ही है। पेज नंबर 111 तक ये आ गए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको कट कर दें, ये रिड्यूस्ड सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है भाई।
और नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 112 के ऊपर बैंकिंग ऑफ द रोड्स, ये भी रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, इसको भी कट कर दीजिए। फिर पेज नंबर 113 पे आ जाएं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में है, पेज नंबर 113 पे, 113 पे। अब ये देखें कहाँ तक जा रहा है, बड़ी लंबी डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको निशान लगा लीजिए। इसमें एग्जाम्पल एक दी हुई है 114 पे, 7.5, इसको भी निशान लगा लीजिए। इसी का एक टॉपिक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसको भी आप निशान लगा लीजिए, ये भी इसकी सब हेडिंग ही है। ठीक हो गया, तो ये चला गया है आपका पेज नंबर 114 तक। मास ऑफ अर्थ कहाँ है, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 115 पे। मास ऑफ अर्थ इसकी डेरिवेशन है पूरी की पूरी, ये 116 तक आ गया है, 115 से 116 पेज तक आपकी बुक के मास ऑफ अर्थ मौजूद है। वेरिएशन ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, पेज नंबर 116 पे, नेक्स्ट पेज पर ये 116, इसी सेम पेज पर ये नीचे मौजूद है, डेरिवेशन है ये, निशान लगा लीजिए इसको। पेज नंबर 117 तक ये जाएगा, 117 तक ये जाएगा। उसके नीचे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसको कट कर दें, ये रिड्यूस्ड सिलेबस में आपके नहीं है। उसी के नीचे ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसको भी कट कर दें, ये रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर दें, और ये समरी चैप्टर की आ गई। तो ये बोर्ड के टॉपिक हमने ढूंढ लिए बुक में, और इनके सब टॉपिक्स भी हमने देख लिए। अब इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस, क्या इन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस मौजूद हैं? तो वो कुछ के मौजूद हैं, कुछ के नहीं होते हमेशा की तरह, आपको पता है। पेज नंबर 120 के ऊपर ये मौजूद हैं, 7.1, पेज नंबर 120 खोल लीजिए, टॉप पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 निशान लगा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 को कट कर दें, 6 को कट कर दें, ये आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, 7, 8, 9, 10 इनको निशान लगा लीजिए, 7, 8, 9, 10 ये जो क्वेश्चन हैं आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 7 तक हमने पार्ट 2 कर लिया है। जाने से पहले ये बात बता दूं आप लोगों के, रिड्यूस्ड सिलेबस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के कर चुके, 3 वीडियोस उसकी मौजूद हैं, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिड्यूस्ड सिलेबस की 3 वीडियोस बन चुकी हैं, वो पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, ढूंढिए। अगर लिंक नहीं मिल रहा तो मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट कीजिए, कमेंट में ही आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा स्टडी प्लान केमिस्ट्री का भी, उसकी भी वीडियो मौजूद है। बायो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 3 वीडियोस हैं, ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा, उनके भी लिंक्स अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में लिखें, वो भी मैं आपको दे दूंगा। और बायोलॉजी का स्टडी प्लान भी मैं अपलोड कर चुका हूं। अब हम फिजिक्स की तरफ आएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिड्यूस सिलेबस का पार्ट 2 आज हमने फाइनल किया, फिर पार्ट 3 करेंगे। 9th का तो पूरा निमट जाएगा ये, मैट्रिक का और 9th का, क्योंकि 10 चैप्टर तक सेम है तो आधा मैट्रिक वालों का भी निमट जाएगा। फिर 9th का स्टडी प्लान इसका बनाएंगे हम, फिजिक्स का, फिर हम मैट्रिक की तरफ जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।